हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस नॉलेज टेक। आज की वीडियो का टॉपिक है शिक्षा मित्र कैसे बने। शिक्षा मित्र बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शिक्षा मित्र बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता देंगे शिक्षा मित्र होता क्या है। पहले अधिकतर विद्यालयों में अध्यापकों की बहुत कमी रहती थी, जिससे बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही थी। इसके बाद 2001 में इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को सार्वभौमिक बनाने के लिए 65% तथा राज्य के 35% सहायोग से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए योजना बनाई। इस योजना को केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ कई प्रदेश में लागू कर दी गई है। इसके बाद सरकार के सहयोगियों ने संविदा पर शिक्षकों को रखने की योजना शुरुआत कर दी। इसके साथ ही इसमें प्रस्ताव रखा गया कि जिस गाँव में सरकारी विद्यालय होंगे तो उसी गाँव के शिक्षक युवते या युवती वहाँ शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन नियुक्त किए जाने वाले संविदा शिक्षकों को नियुक्त के पहले 1 माह के आवासीय प्रशिक्षण के लिए संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्रकाशित किए जाने का प्रावधान रखा गया और इसके साथ ही इन्हें शिक्षा मित्र का नाम दे दिया गया। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मित्र कैसे बने। शिक्षा मित्र की नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को अब टेट में सफलता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। जब तक अभ्यर्थी टेट की परीक्षा में सफल नहीं हो जाते तब तक वो शिक्षा मित्र की नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होती है। इसके बाद जो अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के लिए आयोजित किए जाने वाली परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें 25% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के 60% अंकों वाले पोर्शन में भी अच्छी मेरिट बनानी आवश्यक हो गई है, क्योंकि लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने अभ्यर्थी के स्कोर का 60% और अधिकतम 40 अंक के शैक्षिक गुणांक से अच्छी रैंक बनाकर अभ्यर्थी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मित्र बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। शिक्षा मित्र का पद प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं के बाद बीएड या बीटीसी करना अनिवार्य है। इसके साथ ही इन दोनों में सफलता प्राप्त कर लेने वाले अभ्यर्थियों को टेट की परीक्षा में सफलता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जब तक टेट की परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर लेते तब तक शिक्षा मित्र की लिखित परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मित्र की सैलरी कितनी होती है। पहले शिक्षा मित्रों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। इन्हें पहले प्रति माह 2250 रुपये वेतन की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसके बाद 2006 में राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों की सेवाओं से प्रभावित होकर इनकी सैलरी में इजाफा करके 3500 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। वहीं अब वर्तमान समय में एक शिक्षा मित्र को 10,000 रुपये प्रति माह वेतन प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आई की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।